ये एमएलए कहाँ चला गया है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करके गया था और ये कह के गया कि यहीं वेट करो, इतनी देर और वेट। अरे ये क्या हुआ, ये चोट कैसे लगी? कहीं रवि से झगड़ा तो नहीं हुआ? हाँ, लेकिन ये तो भारी चोट है जो मैं सूद समेत वापस कर दूंगा। रवि के दिल में ऐसा वार करूंगा कि वो वार जिंदगी भर नहीं पड़ेगा। देख लेना। क्या करने वाले हो तुम? अच्छा ये बताइए कि अंदर देविका है कि नहीं? नहीं। चलो अच्छा। मैडम जी ये देख रही हो, ये टाइम बॉम्ब है, ये रवि और देविका के रिश्ते की धज्जियां उड़ा देगा। आप एक काम कीजिए, यही मेरा इंतजार कीजिए, मैं अभी आया। बॉम्ब फिट हो गया, अब बस धमाके की तैयारी है। देविका तुम सिर्फ मेरी हो और दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। किस्मत है मेरी, आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, यही करने को रह गया है, और तो कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। अरे ये मम्मी जी किस बात का गुस्सा निकाली जा रही है? हाँ और नहीं तो क्या, अब जब कोई दूसरे की मलाई कटकना चाहेगा तो इसके साथ ऐसे ही होता है, ना मलाई मिलती है ना मक्खन है। ये दोनों मुझ पे तो नहीं था ना कस रही? अरे मैंने तो मलाई खाई भी नहीं। वो तो चुप कर, ज्यादा नमक मिर्च छिड़कने की जरूरत नहीं है, सारी गलती तेरी और मुझे सिखा रही है। वो तू ना सब सब्जी छौंक दे अच्छे से, बस वही बहुत है, सारी तेरे पुत्र की गलती है, ना वो भागता ना मलाई कोई और खाता। हाय हाय आप दोनों मुझे क्यों सुनाई जा रहे हो? मम्मी जी चाची जी देखो सारी मलाई बर्तन में है, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। पड़ा है ना तो खा ले जी भर के, और जो बच जाए ना वो इसके मुंह में ठोक देना, ठंडक पड़ जाएगी। आटा गूंद दिया है, रोटी बना ले। सुनो कुड़िए सब्जी होने वाली है, देख लेना। ये दोनों की दोनों सठे आ गई हैं, पता नहीं क्या मलाई की बातें करी जा रही हैं, मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। और श्वेता तूने की टिंडे लेने थे जो बीच में पड़ जाती है, और पड़ गई ना खाना बनाने की जिम्मेदारी तेरे पे, तेरे तो किस्मत ही खराब है। क्या बात है रवि, इतने खोए हुए क्यों? घर नहीं जाना है क्या? नहीं यार पता नहीं आज घर जाने का मन नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं, घर जाऊं या ना। क्यों भाई भाभी जी से झगड़ा हुआ है क्या? झगड़ा तो नहीं हुआ लेकिन मैंने कुछ देविका से प्रॉमिस किया था, तो प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे फेस करूंगा। यार बस इतनी सी बात? इतनी सी बात नहीं है यार। यार बीबिया इतना पत्थर दिल भी नहीं होती है, और अगर वो तुमसे प्यार करती है तो वो इस बात को जानकर जरूर खुश होगी कि तुमने इतना ट्राई तो किया, और उसे ये तो पता ही है कि तुम्हारे इरादे तो नेक थे। यार तूने बात तो बिल्कुल सही कही। चल अब घर जा और जाकर माफी मांग ले, और कह देना कि जो काम आज नहीं हुआ वो कल कर लेगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही कहूंगा वहां से। ठीक है ओके टेक केयर, सी यू। थैंक यू भैया। कोशिश तो मैंने पूरी की थी, फिर मैं इतना क्यों डर रहा? जहां प्यार होता है वहां मुंह छुपाने की जरूरत नहीं होती। रवि अभी तक आया क्यों नहीं? उसको पता नहीं है क्या कि मैं उसे कितना मिस कर रही हूँ यहाँ पर? हाँ
रवि, प्लीज मुझे संभाल लो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। नहीं, अब कोई भी मुश्किल हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। तुमने सच कहा था रवि, दिन से दिन तो मिल गए। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि प्यार इतनी खुशी ले आएगा जिंदगी में। तुमसे ये कहना चाहती हूँ, कुछ मत कहना। जो तुम कहना चाहती हो ना, मुझे सुन लिया। तुमने तो कहा था एक एहसास ही काफी होता है दिल की बात के लिए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा देख, सब कुछ। अपने रवि पर भरोसा रख। ना बच गए, अभी तक नहीं आया। शायद आज जब वो आए मुझसे अपने दिल की बात कह दे, वही बात जो उसने मुझे कल कहने से रोक दिया। और जब वो कहेगा ना, तो मैं भी उससे कह दूंगी कि मेरे दिल में क्या है। वैसे भी जब तक उसे कहूंगी नहीं ना, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और जब तक उससे सुन नहीं लूंगी तब तक भी। लेकिन ये है कहां पर, अभी तक नहीं आया। इतना भी नहीं पता कि जब वो यहां नहीं होता ना, उसको बहुत मिस करती हूँ। कितनी अजीब सी बात है, पहले तो सोचती रहती थी कि जितनी हो सके उतनी देर से वो आए ताकि मुझे उसकी शक्ल ना देखनी पड़े। और अब जब वो आसपास नहीं रहता, इतना मिस करती हूँ उसे। लेकिन आज वो ऐसे नहीं आएगा। मुझसे इतना बड़ा प्रॉमिस करके क्या है, इतना प्रॉमिस पूरा करके आएगा। कोई बात नहीं, तब तक मैं इस लेटर से काम चला लूं। हाथ चाहे ना भी मिले रहे, अरमान दिल में लाखों फिर भी गिले रहे। जावा खुदा सदके तेरे सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। कैसा है प्यार सदके तेरे, कैसा है यार सदके तेरे। वो पहली बार सदके तेरे, मेरा सोना यार सदके तेरे। सदके तेरे, 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 सदके तेरे। तो मेरी मिस कर, तो मेरी मिस कच कच, क्या बात है, आज बड़ी खुश लग रही हो तुम। आज फायरिंग करने का इरादा नहीं है क्या? वैसे चलो ये भी ठीक है, क्योंकि मेरी मिस कच कच के मुंह से जब फूल बरसते हैं तो ज्यादा पसंद है मुझे। वैसे ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, जिनसे मुझे तुम घूर घूर के देखती रहती हो, जब इन्हीं आंखों से प्यार से देखती हो तो खुश आ जाता हूँ मैं। और तुम्हारी ये बाल जो तुम्हारे ऐसे मुंह पर आते हैं, और फिर तुम प्यार से इनको ऐसे साइड में कर लेते हो, और ये तुम्हारी नाक, और ये तुम देविका को मैं नहीं फोन कर रहा हूं, मोंटी फोन कर रहा है। ये फोन मोंटी का। कितनी नफरत करती थी मैं तुमसे, सोचती थी तुम्हारी शक्ल भी ना देखनी पड़े। और अब एक पल भी नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। ये रवि के फोन की बात, ये रवि भी ना फोन घर पर ही छोड़ गया।
हेलो मेरी आवाज सुनकर फोन क्यों काट दिया? अब देखो दूसरा कमाल। भाई आप क्या चाहते हो? मुझे और कितने दिन घर से दूर रहना होगा? मुझे वापस आना है, मुझे घर वापस आने दो रवि। वाह! अब पता क्या होगा? अब होगा छोटा सा धमाका और उसके बाद बड़ा सा धमाका। शायद मोंडी अब गिल्टी फील कर रहा हूँ। नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि रवि भी घर पर नहीं। जैसे आएगा ना उसको कहूंगी मोंटी को फोन करके बस कुछ भी करके यहाँ बुला ले, समझा कर घर पर। मोंटी का मैसेज। भाई आपने कहा था कि भाभी जिद कर रहे हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी आपको देने के लिए राजी नहीं, इसीलिए उनकी बदनाम बहन से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बात मान ली और शादी तोड़कर भाग गया, लेकिन अब मैं क्या करूं? भाई आपकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सबसे मुंह छुपाकर यहाँ अकेला बैठा हूँ और फिर साक्षी जैसी अच्छी दोस्त की लाइफ खराब कर दी मैंने। काश आप मुझे इतना फोर्स नहीं करते। भाई आप क्या चाहते हो? कितने दिन में मैं अपने घर वापस आ सकता हूँ? मुझे घर वापस आना है, प्लीज मुझे घर वापस आने दो रवि भाई। Emily, congratulations. तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा। अब मैडम जी मेरा प्लान तो सक्सेसफुल होना ही था। साकेत कपूर जो कहता है करके दिखाता है। अब आखिरी धाव, उसके बाद रवि और देविका का रिश्ता टूटेगा, जिसे ऊपर वाला भी नहीं जोड़ सकता। आखिरी धाव? अब तुम क्या करने वाले हो? अरे इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारी भी जरूरत पड़ने वाली है मुझे, आराम से। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, ये मैसेजेस ये सब झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता, रवि मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। कुछ सही नहीं है इसमें, ये सब झूठ है। ये भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ना कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैं इन मैसेजेस पे कैसे विश्वास कर सकती हूँ? मुझे अपने रवि पे विश्वास है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। वो तो मुझसे प्यार करता है ना। बस हमें कुछ नहीं सोचूंगी, रवि आएगा ना मैं उससे पूछ लूंगी, वो मुझे आके सब कुछ क्लियर कर देगा कि ये सारे मैसेजेस कैसे आए हैं फोन में। और क्या हो रहा है मेरे साथ? अम्बे माँ प्लीज कुछ गलत मत होने देना प्लीज। बहुत मुश्किल से सब कुछ सही होने लगा है। हाँ रवि आएगा, वो मुझे सब बता देगा कि मोंटी ने मैसेजेस क्यों किए। शायद मोंटी जानबूझकर ये सब कर रहा हो। सब गलत हो सकते हैं, रवि गलत नहीं हो सकता। कहाँ हो रवि तुम?
काम करता हूँ, देविका से जाके माफी मांग लेता हूँ। आई एम श्योर वो मान जाएगी, बुरा नहीं मानेगी। रवि, अरे मिस लूथरा, आप वो भी इतनी रात को, सब ठीक तो है? मैंने सोचा तुम मुझे घर बुलाओगे। आई एम रियली सॉरी मिस लूथरा, आइए ना प्लीज, अंदर आइए ना। मैं बस मजाक कर रही हूँ, एक्चुअली तुम्हारा ही वेट कर रही थी, वो कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? यहाँ पास में एक मीटिंग के लिए आई थी और somehow मीटिंग डिले हो गई। मेरे ड्राइवर को आज घर जल्दी जाना था, सो वो चला गया। मैं सोच रही थी कि तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे प्लीज। आई एम रियली सॉरी मिस लूथरा, एक्चुअली क्या है कि माँ खाने पे मेरा इंतजार कर रही होंगी और बहुत लेट हो चुका हूँ मैं, तो आज के लिए आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ या देविका? एक्चुअली दोनों ही वेट कर रही होंगी, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वैसे आप भी तो गाड़ी ड्राइव कर सकती है ना, आपको भी तो आती है। हाँ वो एक्चुअली हुआ क्या कि जहाँ मैं मीटिंग के लिए गई थी वहाँ से सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा पैर मुड़ गया और स्प्रेन हो गया, और आज सुबह से तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है रवि, बहुत वीकनेस लग रही है। अरे संभालिए अपने आप को। अब देखो ऐसी हालत में मैं गाड़ी चलाकर घर कैसे जाऊंगी? क्या यार अभी क्या कहूँ मैं, देविका मेरा वेट कर रही होगी। ओके ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, दीजिए। थैंक यू। चलिए चलो, काटा तो हट गया रास्ते से, अब मैं अपने प्लान को अंजाम देता हूँ, थोड़ी आँख में घी डालता हूँ। नहीं, मैं नहीं मानती ये सब, मैं नहीं मानती। सके जी आप, और ये सारी चोटें? ये छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, अपने आप को रोक नहीं पाया इसलिए यहाँ आ गया। मैं जानता हूँ कि तुम परेशान हो, साक्षी को लेकर ना। दरअसल मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि यहाँ आके और तुम्हें परेशान करूं, लेकिन लेकिन क्या और परेशान नहीं करना चाहते थे? देखिए आप मुझे साफ साफ बताइए क्या बात है। मतलब मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं तुम्हें, जो मैंने अपने आंखों से देखा उसके बाद मैं पूरा दिन सोचता था कि कैसे तुम्हें बताऊं, फिर मैंने सोच लिया कि चाहे जो भी हो ये मुश्किल काम मैं ही करूँगा। क्यों साकेत जी, ऐसा क्या देखा आपने? देविका जब रवि ने तुमसे शादी की थी कैसे, मैं उसी वक्त समझ गया था, रवि सिर्फ पैसों के लिए तुमसे शादी करा, उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए और कुछ नहीं। प्लीज साकेत जी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है प्लीज। देखो मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, पिछले कुछ दिनों से मैं भी सोच रहा था कि शायद मैं गलत, लेकिन जो मैंने अपने आंखों से देखा उसके बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि रवि ने जो भी किया सिर्फ मतलब के लिए, और मुझे ये भी पता चला है कि क्यों रवि ने मोंटी और साक्षी की शादी कराई थी और क्यों मोंटी मंडप छोड़ के भाग गया। अब तुम्हें कैसे बताऊं, आज मैं मार्केट से गुजर रहा था, जो मैंने देखा मोंटी और रवि एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे,